हम लोग शुरू करेंगे रोमियो चौथे अध्याय से, और हम लोग बांटने वाले हैं रोमियो अध्याय 5 से 12। और हम बताएंगे कि अनुग्रह की ज्योति में जीना या मसीह में हम कौन है उसकी ज्योति में जीना। और पहले अध्याय में हमने इस बात को बताया था कि सुसमाचार धार्मिकता का प्रकाशन है। अगर आपने सुसमाचार को नहीं समझा है तो आपने धार्मिकता को भी नहीं समझा है। उसी रीति से अगर आपने धार्मिकता को नहीं समझा है तो आपने सुसमाचार को भी नहीं समझा। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की एक सामर्थ्य जो विश्वास करते हैं। लोग अपने जीवन में उद्धार, छुटकारा और सुरक्षा को इसलिए महसूस नहीं करते। ये एक ऐसा शब्द है जो कि शामिल किया गया, ये सिर्फ स्वर्ग के विषय में बात नहीं करता। क्षमा, छुटकारा, चंगाई, सुरक्षा, ये सारी बातों को इसमें शामिल करता है, जीवन के सभी क्षेत्रों को। और लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उद्धार का अनुभव नहीं कर पाते। ये कहता है कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य जो विश्वास करते हैं, पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानी के लिए, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाया गया विश्वास से विश्वास तक के लिए, क्योंकि जैसा लिखा है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की जाती है, और परमेश्वर की धार्मिकता सच में उद्धार के लिए और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाने के लिए एक नींव बनाती है, ताकि हमारे जीवन में काम करें। तो जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव को लाता है। फिर पौलुस आगे कहता है कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, और वो कहता है कि वो धारणाओं में, मूर्ति पूजा में और अधर्मी बातों में फंस चुके हैं। वो इसे कहता है अध्याय 1 के अंत में, और फिर अध्याय 2 के कहता है यहूदियों को धार्मिकता की आवश्यकता है जो व्यवस्था पर घमंड करते हैं, लेकिन व्यवस्था तोड़कर परमेश्वर का अनादर करते हैं। तीसरा अध्याय कहता है कोई भी धर्मी नहीं, हाँ कोई भी धर्मी नहीं, सबको धार्मिकता की आवश्यकता है। फिर वो मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता उपलब्ध होने के विषय में बताता है, और जैसे कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, और परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा सभी मनुष्य के लिए अनुग्रह और धार्मिकता प्रदान की, ताकि वो धर्मी ठहरे और जो भी यीशु पर विश्वास करे वो भी धर्मी ठहरे। एक ही तरीके के द्वारा परमेश्वर हम सबके साथ में काम कर सकता है, वह है यीशु पर विश्वास। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके पास सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यीशु पर विश्वास करें। फिर वो आगे चलकर रोमियो चौथे अध्याय में हमें इस बात को बताता है कि हम कैसे धार्मिकता को पा सकते हैं, और हम इसे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से प्राप्त करते हैं। और अंततः वो उदाहरण देता है दाऊद का अनुग्रह के रूप में, और मुझे लगता है कि वो दाऊद का उदाहरण देता है इसलिए क्योंकि उसको अनुग्रह की आवश्यकता थी। और दाऊद इस प्रकार से कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा हुए और ढापे गए हैं, वो ना ही हमारे पापों को स्मरण करता है ना ही हमारे पापों का लेखा लिखता है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? और वह नई वाचा की भविष्यवाणी करता है और अब्राहम का उदाहरण विश्वास के रूप में देता है। और मुझे लगता है कि वो अब्राहम का उदाहरण विश्वास के रूप में इसलिए लेता है क्योंकि अब्राहम को विश्वास की जरूरत थी। फिर वो आगे इस प्रकार से कहता है कि जो कोई भी सुसमाचार पर विश्वास करता है उनके लिए वो प्रतिज्ञाए, और जो हमारे पिता अब्राहम के नक्शे कदम पर चलता है, हर एक के पास विश्वास होता है, चाहे आप यहूदी हो या फिर यूनानी। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको प्रतिज्ञा मिलती है। फिर वो क्या कहता है, सब जातियों के लिए हमारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से वो प्रतिज्ञा सुरक्षित की जाती है। वो प्रतिज्ञा सुरक्षित है, हमने जो किया है उसके कारण प्रतिज्ञा सुरक्षित नहीं होती है, लेकिन प्रतिज्ञा सुरक्षित होती है यीशु ने जो किया उसके आधार पर। यीशु उसकी खात्री है, नई वाचा की ही यीशु खात्री है। यीशु के कार्यों के कारण ही परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा हमें खात्री के रूप में दी गई है, उसका धन्यवाद। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन सिर्फ वो विश्वास को देखता है। और अगर आप अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं तो आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं यीशु के मारे जाने और पुनरुत्थान के कार्यों के द्वारा। और जब आप विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं तो आपके जीवन को पूरी रीति से बदलता है। अब हम देखेंगे रोमियो अध्याय 5, जो अनुग्रह की ज्योति में जीने के विषय में सिखाता है। हम मसीह की ज्योति में किस प्रकार बनाए गए हैं, हम मसीह में कौन है, और परमेश्वर की धार्मिकता के जीवन में कैसे जीते हैं। और इसके लिए जो मुख्य वचन है रोमियो 5 अध्याय उसका 17वां वचन, ये कहता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जैसे आदम ने पाप किया और संपूर्ण मनुष्य जाति पर मृत्यु लाया, उसके पाप करने के द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति पर मृत्यु आई। और अगर हम यहाँ पर रोमियो 5 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
आदम के पाप के द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति पर पाप और मृत्यु आई, ये पूरे मनुष्य की पीढ़ी पर आ गई। तो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो वो कहता है तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि शैतान आपके ऊपर में राज करे। प्रभु ये नहीं चाहता है शैतान आपके ऊपर में अधिकार जताए। पाप का आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। रोमी 6 अध्याय इस बात को बताता है, क्योंकि आप व्यवस्था में नहीं लेकिन अनुग्रह में जीते हैं। आप पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह में स्वतंत्र है। प्रभु ने जो मसीह के द्वारा आपके अंदर में किया उसके द्वारा आप पूर्ण रीति से स्वतंत्र है। एक महिला मेरे पास गवाही देने के लिए आई थी। किसी ने उसको मेरे पास प्रार्थना के लिए भेजा था रविवार को, और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसने कहा कि 9 साल की उम्र से वो इस बात से ग्रसित है और वो संपूर्ण रीति से आजाद हो चुकी थी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। समझ ले, मसीह में अपने अधिकार लेने के द्वारा, और यही बात तो हमें दी गई मसीह में। हमें मसीह यीशु में संपूर्ण अधिकार दिया गया है। और फिर ये कहता है कि जैसे पाप और मृत्यु ने संपूर्ण मनुष्य जाति पर राज किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता के द्वारा अनंत जन्म में राज करेगा। ये प्रभु के साथ में हमारे संबंध में अगुवाई करती है और यीशु मसीह के द्वारा हमें संपूर्ण विजय मिली है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा हमें संपूर्ण जय मिली है। हम ऐसे नहीं कि हम पर कोई राज करे, हम पर कोई राज नहीं कर सकता। हम शैतान के अधिकार में बिल्कुल नहीं है। एक ही अधिकार के तहत हम रहते हैं, वो है परमेश्वर का अधिकार। अगर आप मेरे साथ में इस बात को देखते हैं, आप रोमियो 5 अध्याय में बने रहे, हम लोग लौट कर आएंगे। मेरे साथ देखेंगे कुलुसियों का 1 अध्याय और यहाँ पर भी उसी विषय में बात किया गया है। ये विशेष रूप से नया जन्म पाने के पश्चात में क्या होता है इसके विषय में बोलता है कुलुसियों 1 अध्याय में। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं वचन 12 से, जो कहता है कि और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने आपको योग्य बनाया। किस बात ने आपको योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ में मीरास में सहभागी हो? ये प्रभु का अनुग्रह है। इसे यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा किया है। और ध्यान दे कि वो क्या कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। हम लोग छुड़ाए गए शैतान के सब सामर्थ्य से, और हम लोग छुड़ाए गए शैतान के अंधकार के वश से। पाप का हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, शैतान का हमारे पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर के संतान के रूप में हम लोग छुड़ाए गए हैं, जिसने हमें अंधकार के सारे चंगुल से, सामर्थ्य से और अधिकार से निकालकर हमें बदल दिया है उसके प्रिय पुत्र के राज्य के रूप में। हम एक राज्य में से बाहर निकल आए हैं और दूसरे राज्य में प्रवेश किए हैं। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव तब हुआ जब हमने यीशु पर विश्वास किया। ध्यान दे वो आगे क्या कहता है, जिसमें हमें छुटकारा प्राप्त होता है उसके उसके लहू के द्वारा। हम लोग छुड़ाए गए, हम लोग खरीदे गए उसके लहू के द्वारा, और पापों की क्षमा भी प्राप्त हुई। एंड्रू ने एक बार मुझे पूछा, एंड्रू वॉमक ने कहा, जहां तक क्षमा की बात की जाए, उन्होंने मुझे पूछा कि भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल है। मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने पूछा कि छुटकारे के विषय में क्या, मैंने कहा हम छुटकारा पा चुके हैं, मसीह ने हमें छुड़ाया, ये भूतकाल है व्यवस्था के श्राप से, और ये लिखा गया गलातियों 3:13 में। और उसका उत्तर मुझे पता था। उसके पश्चात में उन्होंने ये वचन दिया और उन्होंने कहा कि उसमें हम छुटकारा पाते हैं और उसमें क्षमा भी पाते, और उसमें क्षमा भी छुटकारे में शामिल की गई है। तो हम लोग पहले से छुड़ाए गए हैं सब पापों से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए। यीशु ने हमारे सभी पापों के लिए दाम चुका दिया है। उसने सभी के पापों के लिए दाम चुका दिया। संसार के आरंभ से लेकर संसार के अंत तक उसने पापों का दाम चुका दिया है। एक भेंट हमेशा के लिए चुका दी गई। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो पाप पहले से ही क्षमा किए गए हैं, लेकिन आप इसे क्रियाशील करते हैं विश्वास के द्वारा। मित्रता में आपको कोई गिफ्ट कार्ड मिले, लेकिन इसे क्रियाशील करना आपका काम है। या फिर ऐसा हो सकता है इस गिफ्ट कार्ड में $100 हो, लेकिन अगर आप इसे क्रियाशील नहीं करते तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें अनुग्रह ने हमारे सबके पापों के लिए चुका दिया है, और परमेश्वर ने जो कुछ भी उपलब्ध कराया उसके लिए अनुग्रह ने इन बातों से हमारा परिचय करवाया, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसे देखते हैं, वो कहता है कि हम लोग छुड़ाए गए हैं भूतकाल में, हम लोग छुड़ाए गए अंधकार की शक्तियों और सामर्थ्य से, और हम बदल दिए गए हैं उसके प्रिय पुत्र के राज्य के रूप में, या फिर उसके प्रेम के रूप में। ध्यान दे, इससे पहले वचन 12 क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। यहाँ पर जो शब्द मैं है, ये पुराना शब्द, इसका अर्थ होता है कि योग्य बनाना, ताकि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ में मीरास में सहभागी हो। इस प्रकार कहना मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया कि मसीह में सबसे बेहतर आशीषों को पाए। सभी इसे कहे कि मैं योग्य हूँ परमेश्वर की बेहतर आशीषों के लिए। प्रभु का धन्यवाद जो प्रभु ने पहले से मेरे लिए किया है।
मसीह में। तो हम लोग पाप और मृत्यु के शासन से बाहर निकल आए, हम लोग उस शासन में थे जिसमें पाप और मृत्यु राज करती थी, और कोई चुनाव नहीं था, हम पाप में जन्मे थे। भजन 51 में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि पाप के साथ में मैं अपनी माता के घर में पड़ा, लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो हमने नया जन्म पाया और हम लोग धर्मी बनाए गए। और जैसे आप पाप में जन्मे थे वैसे अब आप धर्मी जन्मे हो। जैसे कि नया जन्म पाने के पहले आपका जो स्वभाव था शैतान के लिए जीना था, अब परमेश्वर की संतान के लिए आप परमेश्वर के लिए जीते हो। जैसे कि बच्चे के रूप में आपने एक पापी के रूप में जन्म लिया, तो सच में कहूँ तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में आपको धर्मी होकर आना है। पहले सामान्य जीवन जीना आपके लिए साधारण सी बात थी, लेकिन नया जन्म पाने के पश्चात में आप कोई खराब जीवन नहीं जी सकते। आमीन। तो हम लोगों ने नया जन्म पाया है, हम लोग परमेश्वर से जन्मे हैं और हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रभु हमारे अंदर में निवास करता है, और वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो हमारे अंदर में रहती है, और मसीह हमारे अंदर में महिमा की एक आशा है। जो मुझ में है वो जो इस संसार में उससे भी बड़ा है। जो कोई प्रभु से जन्मा है वो संसार पर जय पाता, और यही बात संसार पर जय पाती है, और हमारा विश्वास भी ये विश्वास संसार पर जय पाता है, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का पुत्र है। जब आप इस बात को समझना शुरू कर देते हो कि आपका जीवन कैसा है, संपूर्ण रीति से आपका जीवन बदलता है, और आप इस बात को समझ पाते हो कि आप मसीह में कौन हो। मैंने आपको पिछले कई सत्रों में इस बात को बताया है कि कैसे आप अपनी बाइबल को लोगों को अधीनता में लाने के लिए हथौड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर बाइबल को आप आईने के रूप में देखते हैं और वचन में आप यीशु को वहां पर देखते हैं, और आप इस बात को जान जाते हैं कि यीशु आपके अंदर में रहता है और आप यीशु को आपके अंदर में प्रतिबिंबित होने देते हैं। सत्य तो यह है कि कोई भी अपने बलबूते पर या अपनी सामर्थ पर ईसाई जीवन को जी नहीं सकता। यह बिल्कुल असंभव है कि ईसाई जीवन को बगैर मसीह के जिए। लेकिन ये ईसाई जीवन हम लोग नहीं जीते, लेकिन मसीह हमारे द्वारा जीता है। ईसाईयत्ता में ये बहुत ही कठिन हो जाता है जब आप अपने बल पर करें, लेकिन यीशु को जब इसे जीने दे तो आसान होता है। पौलुस गलातियों 2 अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार से कहता है कि मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हमें शरीर में विश्वास के जीवन को जीना है, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया है। आइए हम लौट कर जाते और देखते हैं रोमियो 5 अध्याय उसके 1 वचन में। ध्यान दे वो क्या कहता है, रोमियो 5 अध्याय उसके 1 वचन में और वचन 5 तक, जो विजय की प्रक्रिया को यहाँ पर बताती है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जैसे आप यीशु पर विश्वास करते हो आपका यीशु के साथ मेल होता है, उसमें और भी कोई बात होने की आवश्यकता नहीं है। जब यीशु का जन्म हुआ तो दूतों ने गाया था कि पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में शांति हो। जैसे यीशु पर आप विश्वास करते हो आप शांति में आते हो प्रभु के साथ में। यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। यीशु के कारण हम लोग परमेश्वर के साथ में मेल में है। तो ये कहता है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे ऐसे मानो जैसे पाप ने किया तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हुए हैं। विश्वास के कारण हमारी पहुंच प्रभु तक है और हम अनुग्रह में बने हैं। हम उस पर खड़े नहीं रहते, लेकिन मैं अपने बाइबल को पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, 100 बार वचन का अंगीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ बाइबल पढ़ने पर, प्रार्थना करने पर और वचन का अंगीकार करने पर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने दिया, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं देने पर विश्वास करता हूँ और मैं एक पास्टर हूँ। इस बात को समझ गए? जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं तो आप इन सब बातों का जिक्र नहीं करते जहां पर आप कहते हैं कि मैंने कलीसिया में गया, मैंने दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इन सारी बातों को किया। इन सब बातों का जिक्र ना करें। अपने कामों के बदौलत आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी खड़े रहते हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो उत्तीर्ण है। हमारे पास जॉन और एबी एल्शा थे जो विद्यार्थी थे इंग्लैंड से, और मैं आशा करता हूँ कि इंग्लैंड की किसी संस्था में अभी काम करते हैं। पर जब वे बाइबल स्कूल में थे एक बार उन्होंने नाटक किया था और वे स्वर्ग में जाने वाले लोगों की लंबी कतार को दिखा रहे थे जो हफ्तों से और महीनों से वहां खड़े थे, और वो कतार सच में बहुत बड़ी थी, और कोई तो भी उस कतार को पार करके सीधा आगे चला जाता है, और वो यीशु के पीछे चल रहे थे और यीशु उन्हें अंदर ले जाता है। और कतार में खड़े लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो लंबे अरसे से खड़े थे। इंग्लैंड में इसे लाइन में खड़े रहना कहते हैं। और जानते हैं वे लोग कहने लगे, हम लोग सालों से यहाँ पर खड़े हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, आप क्या कहते हैं, ये उससे मतलब नहीं।
ये यीशु और उसके विषय में है। जैसे मैंने पहले कहा था कि नरक में कौन सबसे अच्छा पापी बनना चाहता है, लेकिन अगर यीशु पर विश्वास है तो उत्तीर्ण है। आप विश्वास से धर्मी हो और यीशु के द्वारा प्रभु से आपका मेल हो चुका है, और यीशु के द्वारा और प्रभु पर विश्वास के द्वारा अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं और अनुग्रह में बने रहते हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते तो आप ये न कहे कि मैंने ये किया मैंने वो किया, सिर्फ ये कहे कि यीशु ने किया। और इसीलिए कई सारी बातें ऐसी है कलीसिया में जो कई सालों से रुकी पड़ी हुई है। प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु से पाने में कुछ कठिनाई होती है, और बड़ी ही आराम से आप लेते हैं उस काम को। ये अच्छा नहीं, प्रभु सभी से प्रेम करते हैं, इसमें समय लगता है, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, वैक्सीन लेते हैं रास्तों पर, फिर वे नया जन पाते हैं, आत्मा में भरते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, वे चंगाई पाते हैं। और यहाँ पर कोई खड़ा है सालों से इसके इंतजार में, और वो कहता है मैं दशमांश को देता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये तो सब उसी के विषय में होता है। ये जो व्यक्ति सीधा संसार से निकल कर आए, इसके पास तो ये तो अपनी धार्मिकता के लिए किसी को भी मना नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। और ये कहता है कि विश्वास के द्वारा हम लोग अनुग्रह तक पहुंचे और उसमें बने रहते हैं। जब आप अनुग्रह में रहते हैं और आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया, जब इसके विषय में आप बोलना बंद कर देते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये यीशु के विषय में मुझे याद है, मेरे कलीसिया के एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना किया करता था। वो ज्यादा नहीं आता था, लेकिन कभी कभार आया करता था। और इस व्यक्ति के शरीर में कुछ तकलीफ थी और हमने उसके लिए प्रार्थना की थी, और बहुत सारे प्रभु के दासों ने भी उसके लिए प्रार्थना की थी। तो सभा से पहले मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने उसे सभा में बुलाया, सभा से पहले उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं चाहता था कि वो एक चंगाई को प्राप्त करे, और मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर इस आलसी व्यक्ति को क्यों चंगा करेगा। हाँ, ये ईसाई है, लेकिन कलीसिया में नहीं आता, दान नहीं देता, बहुत सारे इसके पास में बहाने हैं, क्योंकि जब आप एक पासवान होते हैं तो आप चाहते हो कि लोग उसमें शामिल हो। और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर इस व्यक्ति को चंगा क्यों करेगा। मैंने सोचा कि हाँ, अनुग्रह के कारण शायद वो उसे करे। प्रभु की स्तुति हो, वो आया, उसने चंगाई प्राप्त किया। ये एक चमत्कार है। प्रभु चमत्कारों को करने के व्यवसाय में व्यस्त है, लेकिन अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो वो नहीं करता है, परंतु यीशु के चमत्कारों पर भरोसा करने से पाएंगे। तो वो कहता है कि विश्वास के द्वारा यानी यीशु के द्वारा हमारे पास में अनुग्रह तक के जाने की एक पहुंच है। और जब अनुग्रह में आप खड़े रहकर ये सोचते हैं कि आप नहीं लेकिन यीशु के विषय है, आप परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंद करते हैं। परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा उसकी उपस्थिति है, उसकी सामर्थ और उसके उद्देश्य को प्रकट करना है। और यीशु ने कुछ भिन्न भिन्न लोगों को यूहन्ना 11 अध्याय में ये कहा कि अगर तुम विश्वास करो तो तुम उसकी महिमा देखने पाओगे। ये लाजर के जी उठने के पहले की बात है। परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ प्रकट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल हमें पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में इस बात को बताती है कि सूरज चांद तारों की भी एक चमक होती है, उनमें भी एक उद्देश्य छुपा हुआ है। तो मैं ये विश्वास करता हूं अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य में चले तो आप परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को पाते हैं। तो ये कहता है विश्वास के द्वारा हम लोग अनुग्रह तक जाते हैं और उसमें बने रहते हैं और उसका आनंद उठाते हैं परमेश्वर पिता की महिमा में, जो कि महिमा का राजा है। हम लोग कुलुसियों 1:27 में इसे देखते हैं। यही वो रहस्य जो सदियों से छुपा रहा है, और इसलिए जब हम इसे देखते हैं वो कहता है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा में आनंद उठाते हैं। तो हम इस बात को चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में प्रकट करे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन महिमा और क्लेश के समय में भी हम परमेश्वर से सबसे बेहतरीन चीजों को पाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उसकी महिमा भर जाए, उसकी सामर्थ वहां पर प्रदर्शित होती। हम ये विश्वास करते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा प्रकट हो जाए, और उसी समय में वो चाहता है कि समस्या के समय में भी हम लोग महिमा को बनाए रखें। जब आप समस्या में होते हो और जब तकलीफ में होते हो तो कैसे महिमा देते हो? पौलुस इसके विषय में लिखता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भिन्न भिन्न समस्या में फंस जाता है तो तुम कैसे आनंद मना सकते हो जबकि तुम पीड़ा में हो? तो ये हमें बताता है कि इसी रीति से ये प्रक्रिया काम करती है। ये जानते हुए कि सतावट धीरज को उत्पन्न करती है, इसके विषय में याकूब भी लिखता है। वो कहता है कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते समय आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाओगे। परंतु याकूब कहता है अगर तुम जल्दबाजी में ना हो तो आप एक दुचित्त मन वाले व्यक्ति बन जाते हो, और उसके बाद में आप परमेश्वर से किसी भी बात को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि वो कहीं नहीं गया और ना ही वो किसी परेशानियों का कोई अंबार है। परमेश्वर भलाई और वह भलाई करता है, लेकिन आपको उस संसार से निकल आने की आवश्यकता है। और जब आप अपने मन को नया बनाते हैं आप वचन को भी पढ़ने लगते हैं, और फिर परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में काम करेगी। ये याकूब पहला अध्याय में लिखा गया है। अगर आप इसे देखें, ये कहता है क्लेश धीरज को लेकर आता है। क्यों?
और वो कहता है कि अगर आप धीर से आशा उत्पन्न करते हैं और आशा को काम करने देते हैं और विश्वास के द्वारा अनुग्रह में ही बने रहे, आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करेंगे, आप प्रभु की विश्वास योग्यता का अनुभव करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु के प्रतिज्ञाओं का अनुभव करेंगे। अनुभव आशा को लाता है। जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव कर लेते हैं और फिर अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, क्या होता है जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता का पहले अनुभव करते हैं और समस्या बाद में आती है? कहिए, हे, मैं वहां पीछे खड़ा था और यीशु वहां से निकाल कर लेकर आए और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और यीशु मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा। जानते, एक बार मैं किट कार्सन में था और हमारे पास में बड़ी ब्लिजर्ड थी। मैं वहां पर रहता था, कुछ पशु थे और मैंने करीबन $50,000 खो दिए। उस समय में करीबन मेरे पास में 1,500 लोगों का नेटवर्क था और मुझे इसमें करीब 1 साल लग गया और मैंने प्रभु पर विश्वास किया और करीबन 1 साल के पश्चात में वह पैसे मुझे वापस मिले। मुझे इसे बनाने के लिए काफी समय लगा, $1,500। फिर हम यहाँ पर थे, हमारे पास में पशु थे और हमारे पास में बड़ी एक ब्लिजर्ड थी और मैंने करीबन एक रात में $250,000 गवा दिए और मैं बहुत ही लकी था कि मैं पूरी रीति से कंगाल नहीं हुआ और मैंने करीबन $3 मिलियन का कर्जा लिया। और जानते, ये बिल्कुल खराब हो चुका था, मेरे पास हर जगह मरे हुए जानवर थे। लेकिन मैं तो बाइबल स्कूल में था और एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, वो एक व्यवसायी था और आने वाली छुट्टियों की उसने जानकारी ली और वो इस बात को कहने लगा कि तुम यहाँ पर हो लेकिन हमें कभी पता नहीं चला कि तुम्हें कोई समस्या है, तुम इसमें से कैसे पार हो सकते हो? एक व्यवसायी के रूप में क्या ये बात तुम्हें नाराज नहीं करती है? कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी नाराजगी भी होती है। मैंने कहा कि रात को मैं बिस्तर पर लेटा था और प्रार्थना की और मैंने हर एक भली बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया मेरी पत्नी के लिए, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद दिया अपनी कलीसिया के लिए और हर एक भली बातों के लिए धन्यवाद दिया और मैंने भली बातों पर ही ध्यान देना चुना। जब मुझे $50,000 का नुकसान हुआ, बैंक ने मुझे इस बात को बताया, मुझे फिर से $2,500 का नुकसान हुआ। फिर से ये सारा वापिस पाने के लिए मुझे करीबन 3 या 4 साल लग गए, लेकिन अब मुझे सब कुछ मिल गया है, प्रभु की स्तुति। तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, अगर आप परमेश्वर पर धीरज से विश्वास करेंगे तो आप उसकी विश्वास योग्यता को देख पाएंगे और जब आप उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव करेंगे तो फिर क्या होगा? वो कहता है इससे आशा उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है, मैंने 50,000 गवा दिए, मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मुझे फिर मिल गए, मैंने 2,500 भी गवा दिए और मैं लकी हूं कि मैं पूरी रीति से कंगाल नहीं हुआ। पूरा वापिस पाने के लिए मुझे 4 साल लग गए, लेकिन मैंने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, मैंने कभी भी प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। प्रभु पर कभी भी विश्वास करना ना छोड़े। मैंने ये नहीं कहा कि विश्वास कार्य नहीं करता, मुझे नहीं पता कि मैं ही क्यों, प्रभु ए प्रभु मैंने क्या किया, तुम्हारे विषय में नहीं है, मुझसे क्या पीठ मोड़ ले लिए, हाँ क्या तुम चले गए, आमीन, ऐसे कुछ मूर्ख मसीही गीत लिखे गए हैं। असल में कुछ ज्यादा ही भयंकर, जैसे कि पॉल एंड ब्रायन इन बियर एंड कंट्री। मेरे पिताजी हमेशा नफरत करते थे रॉक एंड रोल को, लेकिन कंट्री उन्हें पसंद था। जानते हैं, जब आप कंट्री के रिकॉर्ड को पीछे से चलाते हैं, आपका कुत्ता घर में आता है, आपकी पत्नी घर में आती है, आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको कार मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। कुछ ईसाई गीत इसी प्रकार से लिखे गए हैं जो बहुत ही ऐसे लगते हैं कि दर्दनाक है। हाँ, कुछ बहुत अच्छे भी है लेकिन कुछ बुरे भी है। और जो कुछ गलत हो रहा है या समस्या पर ध्यान देने के द्वारा आप कभी भी जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सही बातों पर ध्यान देने के द्वारा आप जय पाते हैं। क्या सही है उसे देखे, क्या भला है उसे देखे। कोई भी ऐसी बात जो कि अच्छी हो, भली हो या धार्मिक हो, उन सारी बातों के विषय में सोचे, उस पर ध्यान दे, उस पर मनन करे। और वो यहाँ पर क्या कहते हैं, आप इसे देखिए, यदि हम लोग क्लेश में फंसे हैं तो जान ले कि क्लेश में महिमा होती है और क्लेश के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। और अगर आप धीरज से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए खरा ही होगा और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अनुभव करेंगे, उसकी भलाई का अनुभव करेंगे और उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव करेंगे। और ये विश्वास योग्यता आशा उत्पन्न करती है, क्योंकि इस बात में परमेश्वर ने आपको भूतकाल में कार्य करते हुए देखा है और अभी भी करेगा। और यही बात वो मुझसे कहता है और वो आगे कहता है, खराई से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। क्यों आशा से लज्जा नहीं होती?
क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है, ये प्रेम परमेश्वर का हमारे हृदय में हमने अनुभव किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से, अगर परमेश्वर हमारी ओर से तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी निरख छोड़ा, लेकिन हम सब के लिए उसने उसे दे दिया, तो क्यों करना वो सब बातें देगा? परमेश्वर हमारी ओर से, और उस बात को उसने प्रकट किया क्रूस पर, और परमेश्वर ने दे दिया यीशु को। तो परमेश्वर हमें कुछ भी दे सकता है। अगर परमेश्वर हमें यीशु दे सकता है तो उसने हमें सब कुछ दे दिया है। आशा से लज्जा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डाला गया है। पौलुस आगे कहता है, रोमी 8:31-32 में बोल रहा था, पर वो इस प्रकार से कहता है कि ना तो जीवन, ना तो मृत्यु, ना कोई स्वर्गदूत, ना उसकी प्रधानता है, ना वर्तमान और ना ही कोई सामर्थ जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। आमेन। देखिए, आपके आसपास के सब बातों को आप खोज सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं तो आपके पास सब कुछ है। आपको ये जानना है कि प्रभु आपकी ओर है, आपसे प्रेम करता है, वो आपके विषय में अपना मन कभी नहीं बदलता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने अपना मन क्रूस पर ही बना लिया और इससे उसने कभी मुंह नहीं मोड़ा। क्या एक अच्छी बात नहीं है? तो इसी रीति से काम करता है। आप धीरे से प्रभु का विश्वास करते हैं और उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं, और आप आशा को जीवित रखते हैं, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, और आशा से कोई लज्जा नहीं होती, क्योंकि इस बात को उसने प्रकट किया है हमारे साथ में प्रेम के द्वारा, और इसी बात को वो आगे भी हमें बताता है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम पाप में थे तब भी यीशु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु का धन्यवाद, जब मैं पाप में ही था यीशु ने मुझसे प्रेम किया। मेरे उद्धार पाने से पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझसे प्रेम किया जब से मैंने उद्धार पाया तब से। हालांकि मैंने कई सारी गलतियों को भी किया। कितने लोग खुश है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है? जैसे एंड्रू कहता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। बाकी का आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरी यह दुर्लभ बात है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो क्या कहना चाहता कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, जब हम पाप में थे तब भी हमसे प्रेम करता है। हमारे पाप में रहने के बावजूद भी प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो क्यों करना वो हमसे प्रेम करेगा जब हम धर्मी है? परमेश्वर हमको संपूर्ण रीति से प्रेम करता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो देखिए वो यहाँ पर क्या कहता है। वो कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए उसने प्रकट किया है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लेकिन वो आगे कहता है, और यह लिखा है कि अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आप कितने भी अधर्मी क्यों ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पाप किया, आप जैसे हो परमेश्वर आपसे वैसे ही प्रेम करता है, और यही तो सुसमाचार की सत्यता है। लेकिन वो क्या करते कि जब आप कलीसिया में आए तो आप बेहतर रीति से बैठे, अपने दान दशमांश को दे और अपनी बाइबल को पढ़े। बेहतर है कि आप ये करे, वो करे, ये ना करे या वो ना करे, और हम लोग वहां से निकलकर मनुष्य के कामों में फंस जाते हैं और लोगों को नियमों से मारते हैं। रोमियो 14:17 कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, शांति और आनंद है। आप सही हो चुके हो, परमेश्वर के साथ मिलाप हो चुका है। ऐसी कोई भी बात ना करें जिसके द्वारा परमेश्वर का आपका संबंध बिगड़ जाए। विश्वासी के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहता, ऐसी कुछ स्थान है जहां मैं जाना नहीं चाहता। मैं प्रभु के साथ में सही संबंध में हूँ। पवित्र आत्मा में आनंद मनाए, आपकी आत्मा उसमें आनंद मनाए। और आपको जानना है कि आपकी आत्मा और आपके शरीर में भिन्नता है, सही है? क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने जो आपने चाहा उसी बात को किया, क्योंकि आपके पास में प्राण और शरीर है। और अगर आपका शरीर आपको जो करवाना चाहता है, अगर आप उसे करते हैं तो आप गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। जैसे एंड्रू ने कहा था कि तुम्हारा शरीर वो लेंगे और जेल में डाल देंगे, तो बेटे अपने शरीर को नियंत्रण में ले ले, शैतान का जीवन छोड़ दे और अपने जीवन को तुम जियो। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? परंतु ये कहता है, हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, हम न्याय से बच जाएंगे। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम पाप में थे तब भी हमसे प्रेम करता है, तो अब जब आपने न्याय जन पाया तो क्यों ना ज्यादा प्रेम करेगा, उससे भी ज्यादा। अब जब आपको धर्मी ठहरा गया तो आप न्याय से भी दूर किए गए हो। परमेश्वर आपको पकड़ना चाहता है, लेकिन भले रीति से। आमेन। मैं सच में कलीसिया में गया था और पेंटिकॉस्टल चर्च में प्रचारक के द्वारा मैंने ये सुना, परमेश्वर स्वर में एक बड़ी ईंट को हाथ में लेकर खड़ा है
वो इस इंतजार में है कि आप लाइन में खड़े रहे और ऊपर से आपके सिर पर वो डाल दे। मेरा मतलब ये इतना दर्दनाक था कि इससे हंसी आ गई। मैं तो उस समय में किशोरी था और मैंने सोचा है कि इतना मूर्ख मूर्ख और मूर्ख है। और वो कहता है कि वो खड़ा है 2x4 की एक बड़े डंडे को लेकर आपके लिए इंतजार में। परमेश्वर स्वर्ग में एक बड़ी ईंट को लेकर इस इंतजार में खड़ा नहीं है कि आप लाइन में खड़े हो जाए और आपके ऊपर में फेंके ताकि लाइन के बाहर जब निकले तो आपका सिर फूटे। ये झूठ था, कोई भी इसे नहीं कर सकता है। इससे बेहतर है कि हम लोग जाकर अभी इसी वक्त में मर जाए। लेकिन इस प्रकार से सत्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं, ये तो एक मूर्खता है। जब मैं संडे स्कूल में था तो मैं 8 साल का था और मैं चाहता था कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। तो उन लोगों ने मेरे लिए बाइबल से एक वचन को पढ़ना शुरू किया जहां लिखा था कि प्रभु पापियों से घृणा करता है। मैंने कहा जाकर अपनी बाइबल फेंको। मेरे पिताजी किंग जेम्स के चहेते थे, उन्हें लगता था कि पौलुस ने इसे लिखा और यीशु इसमें से प्रचार करते थे। तो ऐसा ही है। फिर मैंने कहा कि जाओ अपनी बाइबल को फेंक दो क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर पापियों से घृणा करता है, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। पाप और पापी में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु पापियों से प्रेम करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद कोई भी हम में से नहीं पहुंच सकता। सही है। सही है, कोई भी नहीं कर पाता। वो पापी उसे प्रेम करता है। जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मरा। वो ये भी कहता है कि हमारे पाप करने के और मसीह को जानने के और नया जन्म पाने के पहले से अगर वो हमसे प्रेम करता है तो क्यों कर वो अब हमसे प्रेम नहीं करेगा। उसका प्रेम हमें छुड़ाता है और क्रोध से और उस होने वाले न्याय से और उस नाश से, अनुग्रह उसमें से हमें छुड़ाता है। वो ये कहता है जब हम शत्रु ही थे मसीह को जानने से पहले तो हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हो चुका था। आपके पुत्र के मृत्यु के द्वारा और उससे भी ज्यादा मेल मिलाप हो गए। अब हमारा संबंध उसके साथ में जुड़ चुका है और संबंध को बनाया है। हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार को पाएंगे। ये अद्भुत है। यीशु आज हमारे भीतर में बसता है, हमारे द्वारा अपने जीवन को जीता है। ईसाई इतना कठिन नहीं होती जब आप इस बात को जान जाते हैं कि यीशु मसीह आपके द्वारा अपना जीवन जी रहा है। हमने इस वचन को रोमी 4 अध्याय उसके 25वें वचन में पढ़ा है जो कहता है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो जिलाया गया, अब वो अपने निवास स्थान को हमारे अंदर में रखता है। जब आप धार्मिकता के विषय में सोचते हैं और विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरते हैं और प्रभु यीशु के साथ में हमारा मेल मिलाप है। धार्मिकता के विषय में जरा सोचिए। अगर आप धार्मिकता के विषय में सोचते हैं सच्ची धार्मिकता के विषय में, ये ऐसा है मानो आपने कभी पाप नहीं किया हो, तो सच्ची धार्मिकता वो होती है जहाँ पर आप उस बगीचे में वापस लौट कर जाते हैं जहाँ पर आदम ने कभी पाप नहीं किया है और परमेश्वर के साथ में संगति करते हुए चलते हो। इसी प्रकार का संबंध हमें परमेश्वर के साथ में करने की आवश्यकता है और ऐसा संबंध आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आपका ध्यान आपके पाप, आपकी असफलता और आपकी नाकामी पर है। इस संबंध को प्राप्त करने का तरीका यह है कि आप यीशु और उसके कामों पर अपना ध्यान लगाते हैं। क्या ये समझ में आया? ये कहता है उसके जीवन के कारण उद्धार पाएंगे और सिर्फ उद्धार ही नहीं लेकिन परमेश्वर में आनंदित होंगे। ये बात परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध को आनंद की ओर ले जाती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमने प्रायश्चित को प्राप्त कर लिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमने प्रायश्चित को पा लिया। इस प्रायश्चित का अर्थ क्या है यूनानी में? इसका अर्थ होता है कड़ाला जय। इसका अर्थ होता है समानांतर मूल्यों का अदल बदल करना, बदलाव करना। यानी पैसे की फेरबदल करने का व्यवसाय समानांतर मूल्यों का फेरबदल करता है। इसका अर्थ भिन्नताओं को जोड़ तोड़ करना भी है, पुनर्स्थापना करना या फिर मेल मिलाप करना भी है। पुनर्स्थापना के नए नियम में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह पापियों को यीशु की मृत्यु और उसके अनुग्रह पर भरोसा करने का मौका देता है। इसका अर्थ यीशु मरा, आपको करने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल साधारण सी भाषा है, ठीक है? ये लुभावने वाले शब्द। जब आप बदलाव के विषय में सोचते हैं तो यीशु की मृत्यु के द्वारा बड़ा बदलाव उसने किया और आपके पापों के लिए दाम को चुकाया और संपूर्ण रीति से आपको आजाद किया। अब बताइए ऐसा कौन सा पाप है जो आपने किया है जिसे यीशु मसीह का लहू पूर्ण रीति से धोकर शुद्ध नहीं कर सकता? देखिए बहुत सारे लोग जब कलीसिया में आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे डुप्लांटिस जिस चर्च में जाते थे वहां पर प्रभुभोज होता था, अंगीकार होता था और फिर पाप। ठीक है, लेकिन मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में बड़ा और इस कलीसिया में हम उद्धार पाते हैं, हम लोग पश्चाताप करते हैं, पाप नहीं करते, पश्चाताप करते, पाप नहीं करते, हम पश्चाताप करते, पाप नहीं करते, पाप करते, पश्चाताप नहीं करते, पश्चाताप, पश्चाताप और पश्चाताप। हमारा ध्यान ज्यादा पाप पर होता है इसके बजाय कि यीशु पर है। तो हम क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप करते हैं और प्रचार करते हैं पाप पर, और इसके बजाय कि हम लोग प्रचार करें यीशु मसीह पर,
पाप पर प्रचार करने के द्वारा आप कभी भी पाप से मुक्ति नहीं पाएंगे। अगर पाप के प्रचार से अगर आप पाप से मुक्ति पाते तो पुराने नियम के सारे लोग पाप से कब के मुक्ति पा लेते, लेकिन उनमें से कोई भी पाप से मुक्त नहीं हुआ। पाप पर प्रचार करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको पाप से मुक्त करे। ये सिर्फ आपको दिखाता है कि आपको उद्धारक की आवश्यकता है, लेकिन इससे मुक्ति पाने का जो तरीका है उन लोगों को यीशु दिखाना है। और जब आप यीशु कौन है इस बात को समझ जाते हैं तो आप अंधकार से निकलकर ज्योति में आते हैं, आप पाप से दूर चले जाते हो। और पाप की आपके ऊपर में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप व्यवस्था के तहत नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के तहत है। आप इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु अपने अनुग्रह की परिपूर्णता में है, तो पाप आपके ऊपर से अपनी जकड़ को और अपनी पकड़ को निकाल कर दूर कर देगा और आप बिल्कुल नए और आजाद होकर चलते हैं, जैसे आप पहले कभी भी आजाद नहीं चले हो। और अगर आप अभी भी पाप से जकड़े हुए हैं तो इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाए हैं। धन्यवाद हो उसी के द्वारा हमने प्रायश्चित पाया, आपके पाप को उसने क्रूस पर हरा दिया। जानते हैं आपको इस पर जय पाना है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार से प्रोटेस्टेंट चर्च में हुआ करता है, जैसे जिसमें मैं पला बढ़ा, हम वहां पर जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, ओ प्रभु मुझे तू क्षमा कर, और हम लोग परमेश्वर के आगे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और जैसे हम अंदर आए थे कोई बदलाव न लेते हुए हम लोग बाहर चले जाते हैं। और फिर हम परमेश्वर से इस प्रकार से मांगता है, ओ प्रभु मुझे कृपया आप इस बात को दे दे। सोचते हैं कि इस बात को आप पाएंगे कि नहीं, कि वो आपके लिए वो करेगा कि नहीं, क्यों नहीं करेगा, यीशु के कारण। हमारा जो ध्यान होता है वो हमारे ऊपर होता है, हमारे कामों पर होता है, हमारे सामर्थ्य पर होता है, इसके बजाय कि यीशु पर हो। लेकिन जब आप अपने आंखों को यीशु के ऊपर में लगाते हैं तो आपके पाप छोटे हो जाते हैं और आपकी पूर्ति बड़ी हो जाती है, और अचानक प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होती है। हम उस दाम को पाते हैं जिस दाम को हमारी ओर से चुकाया गया है। यीशु ने दाम चुकाया है, उसने कर्जा चुकाया है। वो कर्जदार नहीं है, मैं उसका कर्जदार हूँ। मैं इसे नहीं चुका सकता था, मेरे पापों को धोने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु आए और जिन बातों को मैं नहीं कर सकता था उस बात को उसने किया, और यही बातों सुसमाचार कहलाती है। सुसमाचार तो यह है कि जिन बातों को आप नहीं कर सकते थे उन बातों को यीशु ने आपके लिए किया। सुसमाचार स्वयं सहायता का एक कार्यक्रम है, कल हमने इसके विषय में बात की थी। असंभव परिस्थिति में सुसमाचार तीव्र रीति से शामिल होने वाली एक ऐसी बात है। यह आपके लिए बिल्कुल भी असंभव था कि आप अपने बलबूते पर स्वर्ग में जा सके, ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। आप ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ पर आपके लिए कोई भी बात असंभव थी, परंतु परमेश्वर आए और उन्होंने यीशु को भेजा और आपके पापों के लिए उन्होंने दाम चुकाया। परमेश्वर असंभव परिस्थिति के लिए विशेषज्ञ है, और जब आप यीशु पर विश्वास करते तो सब कुछ बदलता है। अगर कोई मसीह में है तो वो बिल्कुल नई सृष्टि बन जाता है। हाँ, बिल्कुल नई सृष्टि बन जाता है। वो बात जो पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं थी उन बातों को बिल्कुल नया बना देता है, और वो सारी बातें जो वो हमको उसके साथ में मेल मिलाप करवाती है उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा और हमें सौंपता है मेल मिलाप की सेवकाई को। और परमेश्वर जो प्रभु यीशु में होता है वो हमारे किसी पापों को, न किसी प्रकार की गलतियों को, न किसी प्रकार की बातों का वो लेखा रखता है। वो हमारे किसी भी पापों का लेखा नहीं रखता, लेकिन उन सारे पापों के लिए उसने सारे दाम चुका दिया है। ये वो सुसमाचार है जो हमें संसार को बताना है कि परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि आपने क्या किया है, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया है उन सारी बातों के लिए उसने कलवरी क्रूस पर दाम चुका दिया है। वो जो पाप से अज्ञात था वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। उसने कभी भी पाप का अनुभव ही नहीं किया, उसको आपके पास आने की आवश्यकता नहीं हुई, वो खुद पाप बन गया और परमेश्वर ने संसार के पापों को उसके ऊपर रख दिया, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर आपके ऊपर में क्रोधित नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ में संबंध बनाना चाहता है। उसने पहले से इस दाम को चुका दिया है, अब आपको सिर्फ उसके ऊपर में विश्वास करने की आवश्यकता है। अच्छी बातें होती है जब आप विश्वास करते हैं, और जब हम इसे पढ़ते हैं वह हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा क्या किया। इसलिए वो कहता है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, रोमियों 5:12 में लिखा है, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो किसी भी प्रकार का कोई लेखा नहीं लिखा जाता था। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, रोमियों 3:20 कहता है, फिर भी मृत्यु ने राज किया, क्यों? क्योंकि पाप मृत्यु लाता है। आदम से लेकर मूसा तक और उन लोगों तक,
उन लोगों तक जिन्होंने आदम के समान काम न किया। आपको भले और बुरे के वृक्ष के पास जाने की आवश्यकता नहीं ताकि आप उसके द्वारा प्रभावित हो जाए। उनके ऊपर में भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा, सही है। और फिर वो ये कहता है कि जो उस आने वाले का चिन्ह है, परंतु अपराध के समान पाप न किया लेकिन अनुग्रह को प्रदान किया। वो बोल रहा है आदम के पाप और यीशु की धार्मिकता के विषय। वो कहता है कि अगर आदम के पाप के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताय से पाते हैं, वह एक मनुष्य यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। और न ही जिसने पाप किया उसके कारण या फिर आदम की गलती के कारण, लेकिन एक वरदान के रूप में, जैसे एक मनुष्य का अपराध सब मनुष्य के दंड की आज्ञा का कारण हुआ, आदम ने पाप किया, वैसे ही न्याय और दंड का काम भी सब मनुष्य के लिए ले लिया। लेकिन जैसे धार्मिकता का वरदान, उद्धार का वरदान और भी बहुत सारे अपराध हुए उस न्याय के तहत, यीशु जब मरे तो उन्होंने संपूर्ण संसार के पापों का दाम चुका दिया। वो कहता है जैसे एक मनुष्य के अपराध से मृत्यु ने राज किया, मृत्यु ने मनुष्य पर राज किया, मनुष्य के ऊपर उसने जकड़ बना लिया, वैसा ही उन लोगों को परमेश्वर के बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त होगा। हमने बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त किया है, धन्यवाद हो प्रभु के बहुतायत के अनुग्रह के लिए। याकूब चौथे अध्याय में लिखा है वह हमें बहुतायत का अनुग्रह प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दिनों पर अनुग्रह करता है। यूहन्ना कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई थी, लेकिन उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। अधिक अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सब लोग कहें मुझे और अधिक अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान। और ये धार्मिकता का वरदान, अगर मैं आपको कोई तोहफा देता हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं जो आपने कमाई है, ये ऐसी कोई बात नहीं जिसे आपने किया है या आप उसके योग्य हो। मैं आपको कोई तोहफा देता हूँ, ये इसलिए है ताकि मैं आपको एक तोहफा दे सकूं, सही है। मुझे देखने दे क्या मैंने कोई तोहफा लाया है। मुझे लगता है मैंने लाया है प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं कुछ पैसों को आज मेगन को तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। इसे कमाने के लिए मेगन ने कुछ भी नहीं किया है। इसकी योग्यता के लिए और इसे पाने के लिए उसने किसी भी काम को नहीं किया, ना ही इसके लिए उसने मांग की। उसने सिर्फ प्राप्त कर लिया। वह उसे ना बोल सकती थी, लेकिन जब मैंने उसे दिया तो उसने धन्यवाद कहा और उसने लिया। अब ये उसका है। यीशु की तरह परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया। इसको ना तो हमने कमाया और ना ही इसके पाने के हम योग्य थे। हमने सिर्फ इसके विषय में सुना और हमने धन्यवाद कहा। धन्यवाद। एक व्यक्ति मेरे कलीसिया में आता था। वो जब बड़ा हुआ तो थोड़ा अजीब सा था। उसने सही शिक्षा को प्राप्त नहीं किया था। वो औरतों के पीछे भागता था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चले गई। उसके कुछ बच्चे थे। उसने उस प्रक्रिया में अपने सारे बच्चों के नाम लिखे ताकि तलाक मिले। और जब उसे तलाक मिलने ही वाला था तो उसका जो समय था वो काफी बुरा चल रहा था। तो वो एरिजोना में गया जहाँ पर गोल्ड माइन थी और वहां पर पानी की सहूलियत नहीं थी, और एक जगह बैठकर प्रार्थना करने लगा, अपनी बाइबल को पढ़ा और प्रभु से सहायता मांगा। और वो मैक्सिको में गया पत्नी की खोज में और कहने लगा, प्रभु मुझे पत्नी की आवश्यकता है, मैं अकेला नहीं रह सकता। और जब वो जा रहा था तो उसकी मुलाकात बॉर्डर पर मेरे एक मिशनरी मित्र के साथ में हुई। इस व्यक्ति का नाम है अरविंद। समाज के लोग अरविंद के विषय में बहुत सारी बुरी बातों को बोलते थे, लेकिन अरविंद ने यीशु को पाया। और ये मिशनरी अरविंद के पास आए और उसने एक साधारण सा प्रश्न पूछा, अरविंद क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा? उसने कहा हाँ। क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु फिर से जीवित हो उठा? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है अरविंद, तुम अब उद्धार पा चुके हो। अरविंद ने मेरे मिशनरी मित्र की ओर देखा और कहा, ये सबसे अच्छी खबर है जो मैंने अपने जीवन में कभी सुनी है। और उसने उस बात पर विश्वास किया और यीशु को उसने ग्रहण किया और उसने नया जन्म पाया। प्रभु की स्तुति। वो मैक्सिको गया, एक पत्नी को उसने पाया और पत्नी को बॉर्डर के पास में लेकर आया और किसी को पैसे देकर बॉर्डर क्रॉस किया और उस बॉर्डर को क्रॉस करके वो शांति में रहने लगा। और फिर उसने उस व्यक्ति को कुछ पैसे दिए, उससे स्पेनिश में बात किया, उससे अंग्रेजी में बात किया और वह विवाहित हुए। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतर उपाय था। परमेश्वर अरविंद के लिए भला रहा और हम लोग वहां पर गए, कलीसिया को आरंभ किया और अरविंद ने उद्धार पाया। हम उसे मिलने के लिए गए। हम उसके भतीजे के पास मिलने के लिए गए थे और हमने उससे पूछा कि क्या वो कलीसिया में जाना चाहता है। उसने कहा हाँ, मैं कभी भी कलीसिया में नहीं गया हूँ। मैं गिनकर बता सकता हूँ कि मैं बहुत कम बार कलीसिया में गया हूँ। परंतु उसने नया जन पाया तो हम उसे मिलने के लिए गए और हमने अरविंद और उसकी पत्नी से पूछा कि क्या वो कलीसिया में आना चाहते हैं।
तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, मरिया क्या तुम कलीसिया में जाना चाहोगी? तो उसने कहा कि अच्छा है, हम लोग कलीसिया में जाए। तो वो कलीसिया में आए, मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में प्रचार किया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर ने उसे आशीषित 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 और आशीषित किया। प्रभु का धन्यवाद। ये हमारे विषय में नहीं लेकिन यीशु जो करता है उसके विषय में है। और मेरे मिशनरी मित्र ने उसकी परमेश्वर की अगुवाई उसको ये बताकर नहीं की कि उसने कितने पाप किए, कितना घिनौना है, या तुम इतने पापी हो, या कितने गंदे काम किए, तुमने अपने पत्नी को धोखा दिया और शैतान के समान रहे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, ऐसी कोई भी बात उसे नहीं कही। उसने सिर्फ यही पूछा क्या वो यीशु पर विश्वास करता है, और उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। और उसने कहा कि मेरे पास अच्छी खबर है, तुम उद्धार पा चुके। उसने कहा यह अच्छी खबर है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी सुना है। और उसने उसे ले लिया। ये वैसे ही था जैसे मैंने मेगन को वो तोहफा दिया था। उसने सिर्फ कहा धन्यवाद। यही तो आपको करना है, उद्धार पाने के लिए कहना है कि धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, विश्वास करता हूँ आप मेरे पाप के लिए मारे गए, विश्वास करता हूँ फिर से पुनरुत्थित हुए, और आपको प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर उद्धार के लिए जो यीशु में। ये इतनी कठिन बात नहीं है, ये यीशु पर विश्वास करना है और वचन को प्राप्त करना है जो उसने कर दिया है। इसी रीति से हम लोग परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, हम विश्वास करते हैं। यीशु ने पहले से इस काम को कर दिया, वो क्रूस पर गया, वो कब्र में गया, वो सिंहासन पर गया। और अगर हम अपने हृदय से विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे तो उद्धार पाएंगे। यही तो बाइबल कहती है। इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, आइए इस संदेश को पहले खत्म करें। तो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? अनुग्रह के द्वारा हम लोग पाप और मृत्यु की छाया से निकल आए। अब हम अनुग्रह और धार्मिकता के दौर में हैं। और हमने इसे कैसे प्राप्त किया? विश्वास के द्वारा प्राप्त किया, सही है। और ध्यान दे वो क्या कहता है, अगर एक मनुष्य के अपराध यानी आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने राज किया, तो वो इस प्रकार से कहता है कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान। धार्मिकता एक वरदान है, ये ऐसी बात नहीं जिसे आपने कमाया है, ये ऐसी कोई बात नहीं जिसे आपने पाया, या ऐसी कोई बात नहीं जो आप करते हैं। वो कहता है यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए, किसके अपराध के कारण? आदम के। दंड की आज्ञा सभी मनुष्य के ऊपर में आई थी, वैसा ही एक धर्म का काम यीशु सब मनुष्य के लिए, सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हम आदम के पाप के कारण पापी बने, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराई गई धार्मिकता है। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ विश्वास करना है, उसे ग्रहण कर लेना है। और उससे बढ़कर व्यवस्था बीच में आ गई और अपराध बहुत हो गए। अगर आप व्यवस्था का प्रचार करेंगे पाप बड़ा होगा। पर यह कहता है, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हम इस गीत को गाया करते थे, और अधिक गाने की आवश्यकता है। अनुग्रह अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह जो मेरे पापों से भी बड़ा है। अनुग्रह अनुग्रह प्रभु का अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह जो मुझे अंदर से शुद्ध करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जब पाप एक मील गया, अनुग्रह 10,000 मील चला गया, और अनुग्रह ने इतनी लंबी दूरी तय कर ली है कि अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तुलना नहीं की जाती। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो हमारे लिए प्रकट किया गया प्रभु यीशु में। पाप मृत्यु को लाया, पर अनुग्रह धार्मिकता को लेकर आया। वहाँ एक बदलाव हुआ है। किस प्रकार का बदलाव हुआ है? पाप के लिए हम लोग धार्मिकता को पाते हैं, और मृत्यु के लिए हम लोग जीवन पाते हैं, व्यवस्था के लिए अनुग्रह पाते हैं, और न्याय के लिए हमें प्रामाणिकता प्राप्त हुई है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ध्यान दे वो आगे क्या कहता है, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज करता है, जो यीशु ने किया। जब आप इस बात को समझ जाते हैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं, ये आपको परमेश्वर के साथ में उस संबंध में जोड़ देती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या ये बात आपको अच्छी लगी? प्रभु का धन्यवाद, आमीन। अब हम शैतान के अधिकार के क्षेत्र में नहीं रहते, और ना ही हम लोग पाप के चंगुल में फंसे रहते। प्रभु की स्तुति हो, हम लोग छुड़ाए गए किसके द्वारा? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। सब लोग कहे प्रभु धन्यवाद अनुग्रह के लिए।